तुम लोग यार मेहनत बहुत करते हो, ऐसा नहीं है। तुम्हारे में से कम जितने लोग इस क्लास में बैठे हैं 70% तो मेहनत करते ही होंगे। बस एक चीज तुम नहीं पकड़ पा रहे हो, डायरेक्शन। तुम मेहनत नहीं करना चाह रहे, मतलब तुम वो मेल्टिंग पॉइंट नहीं ले रहे हो। तुम पढ़ रहे हो, बैठ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, वो सारा काम कर रहे हो, पर तुम अपने आप को इंटरनली चेंज नहीं कर रहे हो। और उसके फॉर्मूले मैं तुम्हें बता रहा हूं, खड़े होके पढ़ो। अब चेयर तुम्हारे लिए चेयर टेबल नहीं है, तुम ये ले लो, हार्डली ये आएगा 2000 रुपए का आएगा, बहुत आएगा तो 2000 रुपए का आएगा। और जब तुम खड़े होगे तो किसी भी कीमत पे स्पाइन सीधी होगी। तुम बैठोगे तो स्पाइन टेढ़ी हो सकती है, लेकिन तुम अगर खड़े हो तो स्पाइन टेढ़ी हो ही नहीं सकती। और इसका सीधा संबंध स्पाइन से है। सेरेब्रम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मेडुला, स्पाइन, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और स्पाइन जितनी सीधी होती है, मन का अवेयरनेस उतना ज्यादा होता है। क्या है सेरेब्रम? सेरेब्रम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड, चारों जुड़े हुए हैं। अब तुम ये ले लो, खड़े होके पढ़ो। और जितनी देर तुम्हें पढ़ना है उतनी देर एम्प्टी स्टमक रहना है। तुम बस 10 दिन ये फॉर्मूला लगा के देख लो, फेल कर जाए तो कहना मुझसे आगे। जितनी देर तुम पढ़ते हो उतनी देर स्टमक खाली रखना है, क्योंकि जब तक स्टमक खाली रहेगा इसका ताला खुला रहेगा। जो भी अंदर भेजोगे सब जाएगा अंदर। जहां तुमने स्टमक को फिल किया यहां ताला लग जाएगा, तो नींद आएगी तुम्हें। ऐसे आंखें फैला के क्लास में देखोगे, लग जाएगा 2 प्लेट बिरयानी खा के आए हो। अब सारा ब्लड यहां आ गया ना, वो चर्निंग कर रहा है, डाइजेशन कर रहा है, यहां कुछ है ही नहीं। ये 2-3 काम कर लो बस, जब तक पढ़ रहे हो इसको खाली रखो। देखो तुम्हारी ग्रास्पिंग पावर कितनी ज्यादा बढ़ती है, तुम्हारी रिटेन पावर कितनी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि सीधे अंदर जा रहा है ना सबकॉन्शियस में। और जो चीज सबकॉन्शियस में चली जाएगी वो सेव हो जाएगी। कई बार तुम मूवी देखते हो भूख की चिंता ही नहीं करते, इसीलिए तो मूवी यहां सेव हो जाती है, क्योंकि पेट खाली है और मूवी देख रहे हो, सब कुछ सेव हो गया। वो चीजें तुम यहां भी लगा दो, मरो ए जोगी मरो। आज की जनरेशन है ना, एक सो कहती यार मेहनत ना करना पड़े, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, संभव ही नहीं है। जिसको भी कुछ ना कुछ मिला है उसके पीछे एक बहुत जबरदस्त संघर्ष की कहानी है, वो कोई भी हो, वो छत्रपति शिवाजी हो, नरेंद्र मोदी हो, कोई भी, सबके पीछे एक गाथा है स्ट्रगल की। और उन्होंने बड़े मजे से स्ट्रगल किया है, क्योंकि उनको पता चल गया था कि यार कोई ऑप्शन ही नहीं है। पूछा, बहुत पढ़ता हूं पर कुछ याद ही नहीं रहता। हमने कहा अच्छा कैसे पढ़ते हो, कैसा क्या है शेड्यूल तुम्हारा पढ़ने का? कहा सुबह उठता हूं, कितने बजे? कहा 6 बजे उठ जाता हूं, फिर पढ़ने बैठ जाता हूं। ना कुछ खाते पीते नहीं हो? नहीं खाता हूं, रात में जो है 7-8 रोटी रखता हूं, फिर सुबह रोटी दूध। 10,000 साल तक पढ़ोगे तब भी कुछ नहीं याद होगा, क्योंकि कुछ अंदर जाएगा तब तो यहां रुकेगा, जा ही नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? जैसे ये भरेगा ये बंद हो जाएगा, इतना जबरदस्त कनेक्शन है इसका। जहां ये भरा फुल हुआ इस पे लॉक लग जाता है, तुरंत चाबी लग जाती है। सिस्टम बनाया मालिक ने,
गया है, ताला लग गया। अब जब ताला लग गया तुम पढ़ रहे हो तो फील तो हो रहा है कि पढ़ रहे हो, जा कुछ नहीं रहा है। अगर इसमें कुछ डालना है इसको खाली रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भूख लगी होती है तो मन कहीं भागता ही नहीं, सिर्फ खाना मांगता है बस कि भैया खाना खिला दो। तो उसे कह दो खिला देंगे, ये चैप्टर तैयार करवा दे और सामने बढ़िया खाना रखो, फुल चिकन चंगेजी, रोटी, जूस सब रखो सामने। इसको ऐसा नहीं कि भूखा मारना है खुद को ना, पर शर्त रखनी है कि ये रखा है ये चैप्टर तैयार करवा दे। फिर चार घंटे पढ़े मस्ती से, सब सेव हो गया, खाना खाए, एक घंटे नैप लिए, फिर उठे। इसको भरना है तो इसको खाली रखना, यही तपस्या है। तुम क्या समझते हो तपस्या मतलब जंगल भाग गए, वो सब भगोड़े लोग हैं। क्योंकि चेंज जब भी होगा, जब टेम्परेचर, अब ये ग्लास है, ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट क्या है तुम लोग तो क्या पता होगा तुम, स्टील का मेल्टिंग पॉइंट आधा, तो इंजीनियर बैठे हैं इसमें, ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट ही नहीं पता। जाओ भैया कनाडा अनाडा नौकरी वोकरी करो, कहां तैयारी कर रहे हो। तो अच्छा है तुम लोग के पेरेंट्स नहीं देखते ये सब, कि तुम घर जाओ तो बहुत मारे तुम लोगों को कि भाई इतना पैसा खर्चा करके पढ़ाया लिखाया, वो मास्टर तुमसे मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा था, तुम मेल्टिंग पॉइंट क्या है, स्टील का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तुम्हारा एकेडमिक बैकग्राउंड देखो, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ाई होगा ना 12th तक। तो अब अगर तुमको इसको चेंज करना है, मान लो इसके इसके फॉर्म को चेंज करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा। अरे मोबाइल में देख के बता दो यार, मोबाइल रखो फिर भी टेंशन में हो, 2500 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस जब तुम इसको दोगे ये मेल्ट कर जाएगा, उसके बाद तुम जो फॉर्म चाहते हो वो फॉर्म दे दो। यानी चेंज के लिए टेम्परेचर चाहिए, ताप, वहीं से वर्ड बना तपस्या। तो अगर तुमको खुद को चेंज करना है तो तुमको भी अपने आप को टेम्परेचर देना पड़ेगा। से बच रहे हो कि भैया दर्द ना हो, दर्द के बिना चेंज होता ही नहीं। जब पहले दिन भागते हो 5 किलोमीटर कैसे काफ वगैरह में पेन होता है, वो चेंज हो रहा होता है। फिर जब दूसरे दिन भागते हो तो पेन थोड़ा कम होता है, तीसरे दिन भागते हो और कम होता है, पांचवें दिन पेन ही नहीं होता, और 10वें दिन तुम सिर्फ भाग रहे होते हो। तो अगर कुछ बड़ा पाना है तो पेन तपस्या का रास्ता अपनाओ। जो चैप्टर नहीं पढ़ा एक पैर खड़े होकर पढ़ो, क्या कंसंट्रेशन बना रहेगा, दर्द होगा यहां पे। कोई पैराग्राफ तुमको नहीं समझ में आ रहा ना, एक पैर ऐसे खड़ा कर लो और खड़े होकर पढ़ो, और क्या कंसंट्रेशन बनेगा। बगुला ऐसा ही तो मछली पकड़ता है, एक पैर पर खड़ा होता है, उसे कंसंट्रेशन बन जाता है। सर कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, हमने कहा बगुला हो जाओ भाई, एक पैर पर खड़ा होने के लिए तुम्हारा मन कहीं भागेगा, कहीं नहीं भागेगा, तुमको अपने आप को संभालना है।